हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माधुरी एंड वेलकम टू माय चैनल माधुरी डिकोड्स। माधुरी डिकोड्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं आलू पोस्तो। ये बंगाल की एक बहुत फेवरेट डिश है और बचपन से इसे मैं खाती आई हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ और ये बहुत टेस्टी बनती है। चलिए देखें क्या करना है। अभी मैं ये आलू को छिलके निकालने के बाद ऐसे छोटे छोटे पीसेज में, बहुत छोटे नहीं, थोड़े मोटे ऐसे पीसेज में काट लूँगी। अब लिया है सूखी मिर्च तड़के में डालने के लिए, हरी मिर्च और पोस्तो जिसका मैंने एक महीन पेस्ट बना लिया है। और अब कढ़ाई में डाल रही हूँ तेल, ये मस्टर्ड ऑयल है, इसमें ही इसकी सब्जी अच्छी बनती है। आप चाहे तो वाइट ऑयल में पका सकते हैं। तेल जब उसका हीट चेक कर ले कि वो अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं, फिर उसमें आप काला जीरा यानी जेला सेस जिसको बोलते हैं वो, और सूखी मिर्च डालें। सूखी मिर्च डाल के उसे अच्छे से हिलाते हुए पका लें। मैं इसे ढककर थोड़ी थोड़ी देर बाद चला चला कर दो दो मिनट के लिए ढक रही हूँ, फिर चला करके अच्छे से ताकि ये सभी तरफ से बराबर पक जाए। आँच अभी मैंने तेज़ किया है ताकि ये थोड़ा लाल लाल फ्राई हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेसिक मसाले, हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ी सी रेड चिली जो इसके कलर को बहुत इन्हांस करेगी, कलर बहुत प्यारा सा आएगा, और हाफ स्पून से भी कम शुगर जो सबको सब सारे टेस्ट को बैलेंस कर देगा मिलकर, ये देखिए। फिर अभी थोड़ी देर में इसको ढक करके पकाऊंगी कि अच्छे से लाल लाल होकर के रेड रेड कलर तक, अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई करना है। पोस्तो यानी खसखस का जो पेस्ट बनाना है, अगर आप इसे सोख करके पहले से रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सोख करके नहीं रखा है तो इसे चिली के साथ अच्छे से ड्राई ग्राइंड कर लीजिए। ड्राई ग्राइंड करने के थोड़ी देर बाद जब ये आधे आधे छोटे छोटे महीन पीसेस रह जाएं, फिर आप इसको पानी के साथ पीसिए तो आपको काफ़ी काफ़ी स्मूथ पेस्ट मिलेगा। नहीं तो पानी अगर पहले डाल देंगे तो खसखस के दाने वैसे ही रह जाएंगे। आप देखिए, मैं थोड़ी थोड़ी देर पर चेक करती रही हूँ कि पोटैटो कितने पके हैं। पोटैटोज के पीसेस जो हमारे हैं वो 80% पक जाने चाहिए। 80% जब पक जाता है तब इसमें हम पोस्तो का ये खसखस का जो पेस्ट है वो डालेंगे जो मैंने चिली के साथ ग्राइंड करके रखा है, और इसे थोड़ी थोड़ी देर तक अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करके जब देखेंगे कि ये ज़्यादा तेल वैसे ऑब्जर्व करता नहीं, बहुत जल्दी तेल अलग होने लगेगा। ऑयल अलग हो गया है। अब इसमें से जिस कटोरी में मैंने पेस्ट करके रखा था उसी से मैंने माप करके दो कटोरी, दो बाउल पानी और डाला है ताकि सब्जी अच्छे से पक जाए, जो आलू के पीसेज है वो अच्छे से पक जाए। अब फिर मैं इसे ढक के पका दूंगी। ये देखिए, अब मुझे लग रहा है ये सब्जी हाँ काफ़ी अच्छे से पक गई है। तो अगर आप इसे राइस के साथ, या बांग्ला में जिसे हम बोलते हैं कुक्ड राइस को, भात भात के साथ खाएंगे तो भी बहुत यमी लगेगा। तो हम थोड़ा पतला सा ग्रेवी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे थोड़ा गाढ़ा भी कर सकते हैं। बाद में गैस ऑफ करने के बाद ये खुद ब खुद पानी, आलू पानी को ऑब्जर्व करेगा, तो थोड़ा सा हमें गाढ़ा रखना है। और ये देखिए, इट्स रेडी टू सर्व।
वाह दिख रहा है ना कितना यम्मी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप लाइकिंग माई चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड बाय बाय।